मुंबई का डिब्बा आप सब लोग जानते हैं, लेकिन दिल्ली का डिब्बा आज की न्यूज पॉजिटिव क्यों है देखिए। दिल्ली में भी शुरू हो गया है मुंबई का डिब्बा सिस्टम। एनडीएमसी की पहल पर एनडीएमसी के ऑफिस में कुछ महिलाएं रोज डब्बा तैयार करके लाती हैं और यहाँ के जो लोग दिन भर ऑफिस में काम करते हैं उनको वो ये डब्बा परोसती हैं। आज क्या लेके आई हैं? आज हमारा जो मेन्यू है वो है दाल मखनी और आलू पालक है और चावल है और चारू। प्रयोग के तौर पर एनडीएमसी ने ऊर्जा यूनिट की शुरुआत की है जिसमें 20 महिलाएं अलग अलग इलाकों से आकर गोल मार्केट में खाना तैयार करती हैं और गर्मा गर्म खाना दोपहर 12 बजे एनडीएमसी के दफ्तर में पहुंच जाता है। आई कार्ड लेके और 40 रुपीज लेके दे देते हैं और जिसके पास आई कार्ड नहीं है उसे हम 200 रुपए सिक्योरिटी लेके और 40 रुपीज लेके उन्हें डेट पर दे देते। 20 महिलाओं को यह समूह 70 लोगों का खाना लेकर आती है और एनडीएमसी रोजाना डिब्बे बनाने के लिए 329 रुपए देती है। ये डिब्बे 40 रुपए के हिसाब से एनडीएमसी के कर्मचारियों को परोसा जाता है। पहले कैंटीन से लेते थे, इतना महंगा होता था, सस्ता भी है और घर का जैसा खाना मिल रहा है यहाँ पे। सादा खाना, सिंपल खाना, अच्छा खाना, बहुत अच्छा लगता है और कॉस्ट भी कम है उसके हिसाब से। अब एनडीएमसी की योजना डिब्बे को दिल्ली के अलग अलग इलाकों तक भी पहुँचाने की है। सोचा है कि कोई बड़ा स्पेस कनॉट प्लेस एरिया में इनको दिया जाए जहाँ पे एक बड़ा भोजनालय जलाया जाए तो वहाँ पे भरपेट खाना मिले ऑन थाली सिस्टम और वहीं से डब्बे भी और जगह पे जाएं। दोपहर के खाने की खुशबू एनडीएमसी के दफ्तर में इस वक्त फैली हुई है और इसी खुशबू को और आगे इसको बढ़ाने का जो है तैयारी एनडीएमसी अपनी तरफ से कर रहा है, एक अच्छी पहल।